हाय गाइस, मैं निकल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट टेक। गाइस, हमारे कीबोर्ड में कुछ कीज ऐसी हैं जिनका यूज हमें आज तक नहीं पता चला कि भाई ये कीज क्यों है। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि भाई जब भी हम उन कीज को प्रेस करते हैं तो कुछ आउटपुट ही शो नहीं होता हमारे सिस्टम में, तो कैसे उनका यूज हमें पता चलेगा। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही एक की के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्रॉल लॉक की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक हाईलाइटेड की आप देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है स्क्रॉल लॉक की। इसके बारे में जानेंगे क्यों ये आपकी कीबोर्ड में अभी तक है, क्या इसका कोई यूज है भी या नहीं है, अगर है तो क्या यूज है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो गाइज, स्क्रॉल लॉक के बारे में बात करें तो अलग अलग कीबोर्ड में, अलग अलग कंपनीज के कीबोर्ड में अलग अलग नाम से आपको ये की मिल सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको SCLK, SCRLK, SLK, स्क्रॉल लॉक की, इन सभी में से आपको किसी एक नाम से आपके कीबोर्ड में ये की जरूर मिल जाएगी आपको। और इस तरीके से आपको बैक स्पेस के आसपास स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर इन चारों में से एक नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस की खास बात यह है, इस की के साथ आपको एक डेडिकेटेड लाइट और मिलती है कीबोर्ड में। जब भी आप इस की को प्रेस करेंगे तो एक लाइट यहाँ पे आपकी ऑन हो जाएगी, यानी कि स्क्रॉल लॉक दबाते ही एक लाइट आपकी ऑन हो जाएगी जो ये शो करेगा आपको कि हाँ भाई स्क्रॉल लॉक आपका ऑन हो गया है, जैसे कैप्स लॉक में होता है। ओके, इसी तरीके से अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो लैपटॉप्स में भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन लैपटॉप्स में हो सकता है कि आपको दो की एक की बना रखी हो। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया हम दबा तो दें स्क्रॉल लॉक को, लेकिन इसका करें क्या, हम कहाँ पर यूज आएगी, कहाँ पर इसका यूज ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसको फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि भाई ये हमारे कीबोर्ड में डाला क्यों गया, ये फीचर डाला क्यों गया। अगर आपने पहले के कीबोर्ड, पहले के सिस्टम यूज करे हो तब तो आपको इसका यूज एक्चुअल में पता भी होगा, लेकिन आज की डेट में इसका यूज मोस्टली यूजर्स को नहीं पता क्योंकि इसका आउटपुट भी हमें कहीं ज्यादातर कहीं शो नहीं होता। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इस की का जो फंक्शन है, इस की का जो काम है, इसको इसलिए डिजाइन किया गया था जिससे कि जितने भी स्क्रॉल्स होते हैं आपकी स्क्रीन पे आप उनको ब्लॉक कर सकें, यानी कि स्क्रीन स्क्रॉलिंग टेक्निक को ब्लॉक करने के लिए इस की को इंट्रोड्यूस किया गया था। IBM के जो कीबोर्ड्स हैं उनसे इनहेरिट किया गया था ये QWERTY कीबोर्ड में, और पहले के टाइम में काफी यूज भी था इस की का, क्योंकि इसको प्रेस करते ही जो स्क्रीन पर जितने भी स्क्रॉल बार्स होती थी वो लॉक हो जाती थी, आप पर्टिकुलर स्क्रीन को आप लॉक कर सकते थे। यानी कि अगर आपको रीड करना हो और आपको ऊपर नीचे नहीं करना है स्क्रॉल बार को तो आप जस्ट इस की को दबा दीजिए। लेकिन आज की डेट में इस की का कहाँ पर यूज है, मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं तो इस की का यूज बहुत ज्यादा मिनिमल हो गया है, यानी कि खत्म सा ही हो गया है। आप इस की को जब भी आप दबाएंगे तो इसका कोई आउटपुट नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जहां पर इस की का अहम रोल है, अहम यूज है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कैसे, चलिए बताता हूँ मैं आपको। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी सेल्स आपके सामने हैं। इस की का इंप्रेशन इस की को दबाते ही आप इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक की दबाया तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल लॉक आ गया लिखा हुआ, दैट मीन कि यहाँ पे स्क्रॉल लॉक की अनेबल हो गई है। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, दैट मीन कि यहाँ पर स्क्रॉल लॉक कुछ ना कुछ वर्क करने वाला है। अब स्क्रॉल लॉक एक्सेल में काम कैसे करता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो सेल मेरा सिलेक्टेड है एक्सेल में, वो नंबर वन का से सेल है वो सिलेक्टेड है। स्क्रॉल लॉक की मेरी ऑन है क्योंकि नीचे भी लिखा आ रहा है और मेरे कीबोर्ड में लाइट भी जल रही है। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे नेविगेट करूंगा सेल्स के बीच में तो यहाँ पे मेरा सेल सिलेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ने इस सेल को लॉक कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नीचे हो रहा हूँ लेकिन जो सेल है वो लॉक्ड है। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल लॉक को ऑफ करूंगा तो यहां से आप देख सकते हैं स्क्रॉल लॉक हट गया है, और जब मैं अब नेविगेट करूंगा तो यहाँ पे मैं सेल को मूव कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है एक्सेल में, जो एक्सेल के नए खिलाड़ी हैं कई बार तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके कीबोर्ड से अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑन कर देते हैं तो कई बार कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि भाई यार ये सेल मूव क्यों नहीं कर रहा है। तो जस्ट उनके लिए एक प्रैंक सा हो जाता है, जैसे आप स्क्रॉल लॉक हटाएंगे तो सेल मूव होना चालू हो जाता है। लेकिन कई बार जैसे बड़ी बड़ी शीट्स पे हम वर्क करते हैं एक्सेल में और आपको कोई सेल लॉक करना हो पूरे डेटा को लुकआउट करने के लिए और वापस से उस सेल पे आ जाए तो आप यहाँ पे स्क्रॉल लॉक की दबा सकते हैं। सपोज मैंने अब इस सेल पे दबा दी और अब मैं कहीं पर भी अपने कर्सर को या फिर आप कह सकते हैं एरो कीज को अगर नेविगेट करूँ तो मेरा यहाँ पे सेल लॉक हो जाता है और नीचे स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे आप वापस से दबाएंगे स्क्रॉल लॉक आपका हट जाएगा, आप इस तरीके से नेविगेट कर पाते हैं। तो ये एक छोटा सा यूज है स्क्रॉल लॉक की का, किस लिए इसको इनहेरिट किया गया था, किस लिए इसको यहाँ पे यूज किया गया था आप सब जान गए हैं। अब
और हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने जो पहले के ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी वगैरह आपने उनमें इनका यूज किया भी हो। तो गाइज ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करेंगे, बताएंगे और लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।